जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हैं हमारे सारथी ऋषि जी महाराज, और आज हमारा जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर दौरा है। हम यहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये सफर के आप हमारे हम सफर बने हुए हैं। हमारे सभी के सभी जो दर्शक हैं ज्ञान ज्योति दर्पण के परिवार के जो सदस्य हैं, हम उन तक वो तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। उन लोगों से आपकी रूबरू बातचीत करवाएंगे, वो आप तक खासम खास जानकारियां लेकर आएंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, नरेंद्र शर्मा परवाना की खास रिपोर्ट चुनावी महासमर के ऊपर लेकर आ रहे हैं हम जुलाना विधानसभा क्षेत्र से। खेड़ा गांव, यह राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, कमास खेड़ा जींद के अंदर पड़ता है, ये जुलाना तहसील है। और आज हम इसी गांव के अंदर कार्यक्रम को कवर करने के लिए पहुंचे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन गांव है और यहां के लोगों के अंदर एक मोहब्बत की खुशबू है, और एक आने वाले व्यक्तियों का ये मान और सम्मान करने वाले लोग यहाँ पर बसते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगे इस गांव में आकर के। रोनी साहब, आपका जो ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसके बारे में आप कितने आशान्वित हैं, कैसा रुझान चल रहा है आपका? ये आज जुलाना विधानसभा का प्रवास है और 22 गांव का आज पूरे दिन का अभियान है। इसमें प्रत्येक गाँव में 36 बिरादरी के भाइयों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, युवाओं ने, किसानों ने, सबने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने इस प्रकार का संकल्प सभी ने लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लगातार 10 वर्षों से जो देश में बदलाव आया है, देश में जो विकास के काम हुए हैं, वो सब लोगों ने पसंद किए हैं। और उसी का कारण है कि मोदी जी की विश्वास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, महिलाओं के अधिकार की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, इस 25 मई के चुनाव में कमल के फूल का बटन दबाकर पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किए जा रहे हैं, या जो है ना आपका उज्ज्वला योजना है, आपके जो कार्ड बनाए गए, उनके बारे में जो लोगों के आपके पास में कैसे भी हुआ? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 53 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम किया। वहीं देश के 70 वर्ष से ऊपर के कोई भी महिला, पुरुष, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का, कितना भी अमीर है, उन सबको आयुष्मान योजना से जोड़ने का 5 लाख रुपए तक के इलाज की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को रोजगार के नए अवसर देने की योजना, युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिले, किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि रेगुलर करने की योजना, अनेक ऐसे काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किए जिससे देश मजबूत बढ़ेगा, ये देश बढ़ेगा, विकसित भारत बढ़ेगा।